टर्म शेयर्स LTS में। और अगर आप ज़रूर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। आज हम एक इंश्योरेंस की कंपनी के बारे में चर्चा करेंगे, वो इसलिए क्योंकि एक आने वाला जो समय है हमारे भारत देश में, या फिर एक सेक्टर कह लें आप, या एक आप एक पूरा पूरी इंडस्ट्री कह लें आप, जिसे जो आप नाम देना चाहें तो कह सकते हैं, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। जनरली हम कोई भी स्टॉक पिक करने से पहले हम देखते हैं कि क्या कंपनी 15-20 साल तक काम करेगी, 25 साल तक काम करेगी, 30 साल तक काम करेगी, या इसका भविष्य 2-4 साल में सिमट जाएगा। तो अभी तक कुछ ऐसा हो रहा था कि इंश्योरेंस में, जैसे कि लाइफ LIC हो गई, तो ये बहुत प्रचलित थी हमारे देश में, और शुरू से लेकर लोग अभी तक जो भी इंश्योरेंस में रुचि रखता है वो LIC लेता था। धीरे धीरे कुछ और कंपनियां आई और उसके माध्यम से एक और चलन चला है भारत में टर्म इंश्योरेंस का, जैसे कि फॉरेन में होता है। तो जो पहले की जो इंश्योरेंस कंपनियां थी उनमें क्या होता था कि एक प्रीमियम होता था, एक बड़ी सी प्रीमियम होनी पड़ती थी और मैच्योरिटी अमाउंट भी मिलती थी अगर वो आदमी का निधन हो या ना हो। अगर हो जाता समय से पहले तो उनको क्लेम मिलता था, अदरवाइज जो है मैच्योरिटी के बाद वो अमाउंट मिलती थी, जो भी जिस प्रकार की स्कीम्स रही हों LIC की तरफ से। अच्छा, LIC ने भी अभी शुरू किया है टर्म इंश्योरेंस, अभी उसका भी देखना पड़ेगा कैसा है। तो इंश्योरेंस सेक्टर में आज हम बात करेंगे HDFC स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस के बारे में, इस कंपनी के बारे में। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि HDFC बैंक एक जो बहुत बड़ा ग्रुप है, एक बहुत प्रतिष्ठित ग्रुप है, एक बहुत ही सुलझा हुआ एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मामले में, उसके जितने भी कंपनियां हैं जो HDFC मेन है, उसकी जो भी आप कह लें उसके जो संतानें हैं, चाहे HDFC AMC हो, असेट मैनेजमेंट कंपनी, वो भी अच्छा परफॉर्म कर रही है, या फिर इंश्योरेंस की हो, या फिर HDFC बैंक हो, इस तरीके से आने वाले समय में कुछ और भी जो होंगी तो अच्छा प्रदर्शन कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इंश्योरेंस में HDFC स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस जो कंपनी है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग अब बहुत बड़ी अमाउंट पे नहीं करना चाहते, वह सिर्फ अपने आप को एक कवर, एक सुरक्षा देना चाहते हैं कि आज की जो भाग दौड़ की ज़िंदगी है, वो बीमारियाँ हों, चाहे एक्सीडेंटल हो, चाहे हार्ट अटैक हो, चाहे लोग सोते सोते ख़त्म हो जाएं, या जो भी जैसा हो, लोग अपने आप को सिक्योर करना चाहते हैं। वो अपने आप को नहीं, वो अपनी फैमिली को सिक्योर करना चाहते हैं, ताकि उनकी अनुपस्थिति में, उनकी एब्सेंस में जो परिवार है वो महंगाई से, जो भी वर्तमान समय होगा, उसको बीट कर सके, और एक ऐसी इंश्योरेंस प्लान वो ले ताकि जो है किसी प्रकार के उसके फैमिली में असर ना हो उसकी अनुपस्थिति में। तो सिंपल सी बात है, इस पे लोग ज़्यादा रुचि रखेंगे, क्योंकि एक छोटी सी अमाउंट पे करनी पड़ती है, और उनको अगर 1 करोड़ तक का, डिपेंड है, अलग अलग पॉलिसीज़ हैं, मैं एग्जैक्ट वो नहीं बता रहा, 1 करोड़ की क्लेम मिलता ही है, लेकिन जो भी है इतनी बड़ी अमाउंट मिल जाती है एक छोटी सी अमाउंट पे करने में, जो कि है उसका कोई क्लेम वो उसकी मैच्योरिटी कोई नहीं मिलेगी, जैसे 400-500 रुपये, 600 रुपये, 1000 रुपये, जो भी होता हो, अलग अलग एजेस एज के हिसाब से डिसाइड होती हैं कि आपको मंथ की या एनुअल कितनी देनी पड़ेगी किस्तें, प्रीमियम जो होती। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि आने वाले समय में लोगों के लिए एक छोटी बात होगी कि चलो यार ले लेते हैं, अपने आप को सुरक्षित कर लेते हैं, अपने परिवार को सुरक्षित कर लेते, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस में हो, चाहे लाइफ इंश्योरेंस में हो। तो धीरे धीरे ये सेक्टर, ये कंपनियां आउट परफॉर्म करेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि इन कंपनियों को पैसा आना है और जो क्लेम्स होंगे उन क्लेम्स को देना है, तो ज़्यादा अगर आने लगा, क्लेम्स कम रहे, देखिए जाहिर सी बात है क्लेम्स कम ही रहेंगे, और ज़्यादा अगर बहुत ज़्यादा लोग जो हमारे, जिस प्रकार से हमारे यहाँ जनसंख्या है उनमें से जिस प्रकार से एजुकेशन को लेके लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, उसके बाद फिर इन चीज़ों में जागरूक हो रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि इंश्योरेंस जो सेक्टर है आने वाले समय में 5 से 10 साल में ज़बरदस्त आउट परफॉर्म करेगा। और जब कोई कंपनी को सिर्फ आना ही आना है और कुछ क्लेम्स ही देना है, इनको कुछ बनाना बनाना तो है नहीं, इनको ऐसा तो है नहीं कि इनको वो पैसा जो लेके ये कुछ बिस्किट वगैरह बनाना है या ब्रेड बनाना है, फिर वो बिके ना बिके, ख़राब हो गई, उसको रिटर्न मिला, कुछ नहीं। पॉलिसीज़ का पैसा आना है, क्लेम्स देना है, जो बचा वो शुद्ध लाभ होगा। तो ये है, तो इस तरीके से मुझे लगता है कि इंश्योरेंस कंपनीज़ को काफ़ी आने वाले समय में फ़ायदा हो रहा है। और अगर ये कंपनियाँ कमाती हैं
तो अपने निवेशकों को भी कमवाएंगे, क्योंकि शेयर प्राइस बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। अगर कंपनी कम खुद भी कमा रही है तो उसके निवेशक भी कमाते हैं, ये जाहिर सी बात है शेयर मार्केट में, इसमें कोई दो राय नहीं। तो अब देख लेते हैं कि इसका शेयर प्राइस क्या है HDFC लाइफ इंश्योरेंस का। 529 रुपया है अभी जो चल रहा है, आज तो मार्केट बंद है, आज शनिवार है, और आज है 7 सितंबर 2019, जो साल का हाई था 569 यानी 70 मान के चलिए, और लो बनाया था इसने करीब 344 का। जो मार्केट कैपिटल इसका 1,06,915 करोड़ का, और फेस वैल्यू ₹10 की है, और लिस्टेड, ये लिस्ट कब हुई थी, 17 नवंबर 2017 को, और जिन्होंने एक साल पहले पैसे लगाए होंगे उनको 16% से ज़्यादा के रिटर्न है, और 6 महीने पहले जिन्होंने लगाया उनको भी काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल रहा है 40%। तो ये देखिए अभी से काफ़ी अच्छा इसमें जो है परफॉर्मेंस है। पी रेशियो 83 है, अर्निंग पर शेयर 6.33 है, प्राइस टू बुक 18.94, डिलीवरी है 45% और डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। तो अगर हम इनकी कुछ प्लान्स में देखते हैं तो टर्म इंश्योरेंस प्लान्स हैं, चिल्ड्रंस प्लान्स हैं, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं, वेलकम प्लान्स हैं, हेल्थ प्लान्स हैं, कॉम्बो प्लान्स हैं, रिटायरमेंट प्लान्स हैं। तो ये सारी जो है इनके प्लान्स हैं इंश्योरेंस में, और ये रहे इनके प्रोडक्ट्स, काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। अगर हम कुछ इनका व्यवसाय देख लें, क्योंकि कंपनी लिस्ट भले ही 2017 में हुई हो, लेकिन काफ़ी दिनों से मतलब काम तो कर ही रही है। तो अगर हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय देखते हैं तो 29% के आसपास है, रिटर्न ऑन इक्विटी है 24%, सेल्स ग्रोथ अगर हम 3 ईयर्स का देखते हैं तो 28% से ज़्यादा की है कंपाउंडेड। और इस तरीके से अगर हम क्वार्टर के रिजल्ट्स देख लेते हैं, देखिए मार्च 19 से और जून 19, ये है आई थिंक कंसोलिडेटेड है सेल्स इस साल की। तो मार्च 19 और जून 19 में अगर कंपेयर करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे क्वार्टरली में गिरावट है, लेकिन अगर जून 18 से जून 19 में नेट सेल्स में अगर करते हैं तो थोड़ा बढ़त के साथ है इसमें। इसी प्रकार से अगर नेट प्रॉफिट में देखते हैं तो नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर यानी जून 18 से जून 19 में है अपसाइड है, जहाँ 381 करोड़ का था शुद्ध लाभ, वहीं जून 19 में हो गया 426 करोड़ का। वहीं अगर क्वार्टरली देख लेते हैं मार्च 19 से जून 19 में तो 365 करोड़ का था, और जून 19 में बढ़त के साथ 426 करोड़ का यहाँ पे है। तो इसका मतलब है कि इनका जो नेट प्रॉफिट है यानी शुद्ध लाभ है, जिससे हमें पूरा लेना देना होता है, सब कुछ लेने देने के बाद जो बचता है ये है, तो इनको प्रॉफिट है, तो कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है। और अगर हम 15, 16, 17, 18, 19 मार्च 2015 मतलब साल का जो एंड होता है हमारे उस फाइनेंशियल ईयर का, उसकी अगर हम नेट सेल्स देखते हैं तो जहां मार्च 2015 में थी 27,215 करोड़, 2016 में 18,000 थोड़ी कम हो गई, लेकिन मार्च 17 में अगेन ही आउट परफॉर्म किया, 30,000 क्रॉस किया, और मार्च 18 में जो है 32,000 बढ़त के साथ, और मार्च 19 में जो है जो आंकड़े हैं यहाँ पे 38,000 से ज़्यादा नेट सेल्स में लगातार ग्रोथ रही। और उसी प्रकार से नेट प्रॉफिट में देखते हैं तो मार्च 2015 में 786 करोड़ का था, और मार्च 2016 में 817 यानी बढ़त है, अगेन 2017 में भी जो है 887 करोड़, और मार्च 18 में जो है नेट प्रॉफिट में 1107 यानी कि यहाँ पर बढ़त है, और मार्च 19 में भी जो है साल दर साल 1278 यहाँ भी शुद्ध लाभ में भी बढ़त है। तो इस प्रकार कंपनी जो है अनवरत ग्रोथ कर रही है, और कंपाउंडेड जो क्योंकि 3 साल का ही दिख सकता है, इसका मतलब कंपनी तभी से काम कर रही है। तो 28% हम देख ही चुके हैं और ये भी देख ही चुके हैं, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, तो देखिए इनकी जो पीयर कंपनियाँ हैं उनसे हमें कंपेयर करना है कि इन सब में कौन परफॉर्म कर रहा है, लेकिन हमें ये समझना है कि ये जो आने वाला समय है जिसको कहते हैं कि ये बूम इंडिया में, जैसे कि FMCG तो ठीक है चलती रहेंगी, लेकिन ऐसा कौन सा सेक्टर है जो अभी नहीं बहुत परफॉर्म किया है, अभी शुरुआत है लेकिन आने वाले समय में अगर आग लगा देगा तो हो सकता है कि इतना कमवा दे आपको, क्योंकि आप में से भी कुछ लोग, बहुत सारे लोग टर्म इंश्योरेंस लिए होंगे या अपने आप को कवर
किया होगा, तो उस हिसाब से धीरे धीरे से जैसे जैसे लोग लेते रहेंगे, पॉलिसीज बढ़ती रहेगी, इन कंपनियों को खूब फ़ायदा होने वाला है। तो ये तो आप समझ गए होंगे कि ये सेक्टर अभी आने वाले समय में ज़बरदस्त चलेगा, जिस प्रकार से जागरूकता फैल रही पूरे देश में। तो दोस्तों बस यही मैं आपसे कहना चाह रहा था। ख़रीदने के और बेचने के जहाँ तक सवाल है, तो जो लोग इसमें ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, वो तो भैया बेचने की बिल्कुल भी गलती ना करें, जो भी डिविडेंड कंपनी देती है चुपचाप उसको रख लें, और चाहे तो धीरे धीरे SIP करें, है ना। और जो नए लोग लेना चाहते हैं तो मैं तो उनसे यही कहूँगा कि चाहे ICICI लॉम्बार्ड हो, चाहे HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, या जो भी और भी कई कंपनियाँ हैं, उन सबको देखें इनके पीयर कंपनीज़ में, और जिसमें आपको ठीक लगे कि जो भी है, क्योंकि इंश्योरेंस पूरा सेक्टर ही परफॉर्म करने वाला है, तो आप जो है उनमें थोड़ी थोड़ी SIP करें आपकी स्वेच्छा अनुसार। क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूँ हर वीडियो में कि पूरा पैसा या लमसम पैसा कभी ना लगाएं आप अपना, है ना, पूरे किसी एक सेक्टर में या किसी एक कंपनी में। थोड़ा थोड़ी थोड़ी बाइंग करें, अपने आप पोर्टफोलियो को हरा भरा रखें, कुछ FMCG, कुछ ऑटो, कुछ बैंकिंग, कुछ लाइफ इंश्योरेंस, कुछ केमिकल्स के स्टॉक्स ले लीजिए। तो इस प्रकार से अलग अलग सेक्टर्स के अलग अलग कंपनियां रखिए, ताकि आपको अगर एक दो सेक्टर सो गए तो मान लीजिए 4-5 सेक्टर या 4-5 कंपनियों ने अच्छा परफॉर्म किया अलग अलग सेक्टर्स की, तो आपका पोर्टफोलियो हरा भरा रहेगा। आज मैं ये वीडियो यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।